वास्तव में आज से 25, 30 साल, 40 साल पहले जो गांव मां गंगा और मां सरयू के संगम के तट पर बसा था, वह गांव जो कभी अभिशाप माना जाता था, अब मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए जा रहा हूं, वाटरवे नंबर वन शुरू हो चुका है हल्दिया से वाराणसी के बीच। मैं यहां के किसानों से कहूंगा, आप सब्जी उत्पादन का काम करिए, आपकी सब्जी, आपकी दाल, आपके द्वारा उत्पादित की गई कोई भी वस्तु होगी, उसको प्रदेश, देश और दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने का कार्य हो, मंडी बनाने का कार्य हो, या फ्लोटिंग जेटी बना करके यहां से वाटरवे के माध्यम से पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने या वाराणसी तक पहुंचाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी करने का कार्य करेंगे। और इसलिए आज 3 बस सेवा इस गांव से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अभी माननीय उपसभापति जी के कर कमलों से शुभारंभ किया है। और हम इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आ रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में स्मार्ट क्लास बनी, उसका सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। लेकिन अभी यहां पर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने जेपी के निर्देशन पर जो कार्य प्रारंभ किया था, एक साथ कितने महापुरुषों को आज हम एक साथ साथ करके लेके चल रहे हैं। संत सेवादास जी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्मभूमि में आकर के स्वयं हम कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जननायक के रूप में देश और दुनिया के अंदर जिन्होंने बलिया को एक नई पहचान दी थी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की स्मृतियों को भी प्रणाम करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। श्रीमती प्रभावती देवी जी के नाम पर जो इंटर कॉलेज बना है, उसके पुनरोद्धार के कार्यक्रम को भी राज्य सरकार प्रारंभ करने जा रही है। उसके लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति भी राज्य सरकार ने प्रदान की, जिससे अच्छा विद्यालय बने, यहां के बच्चे पढ़ सके, यहां के प्रोडक्ट को हम प्रदेश, देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचा सके, यहां के किसानों को, यहां की मात्र